नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। शारीरिक संघर्ष समिति ने लगातार चौथे दिन 1983 पीटीआई की नौकरी बहाल करवाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हुए है। कैथल के मीडिया सेंटर में हुई प्रेस वार्ता में संघर्ष समिति के नेताओं ने राजेश कुमार, सरोज रानी, पूनम कुमारी और राजेश ने कहा है कि हरियाणा सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो उनकी नौकरी बहाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय की आड़ ले रही है। आज तक उच्चतम न्यायालय के कई फैसले आए हैं, क्या सरकार ने उन्हें अमन लाया है? उन्होंने कहा कि वे सरकार से अनुरोध करते हैं कि उनकी नौकरी बहाल की जाए, क्योंकि इतने सालों की नौकरी के पश्चात अब क्या करेंगे, उनके परिवारों में भूख मरने की नौबत आ जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इतने सालों के बाद वे टेस्ट देने में अक्षम हैं, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई उनके साथी मर चुके हैं और ऐसी महिला कर्मचारी भी हैं जो विधवा हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनके इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन्हें नौकरी पर वापस बहाल करे। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। सरकार बंधुओं का हम तहे दिल से 1983 पीटीआई पूरे हरियाणा की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज कैथल में भूमिका रहेगी, आप उसके लिए वाकई में बधाई के पात्र हो। और आपने जो पीछे कवरेज की है उसका हमें तन मन धन से आप जितने भी सवाल हैं वो आप रखें और उसका सही सही हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले 2006 में वैकेंसी आउट हुई थी हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेप सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 1983 पीटीआई की, तो उसमें लगभग हमारे 20,800 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था और गवर्नमेंट ने 2006 में वैकेंसी निकली तो 2007 में हमारा एक रिटर्न टेस्ट रखा गया 200 नंबर का। हमने वो सभी ने वो टेस्ट भी दिया मगर किसी कारणवश वो टेस्ट कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे को डायरेक्ट जितने भी कैंडिडेट थे सभी को इंटरव्यू पे बुलाया गया 2008 में, और हमने जितने भी हम कैंडिडेट थे सभी ने ईमानदारी से अपना इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू देने के बाद 2010 में हमारी लिस्ट लगी और जब हमारे को किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं पता था, जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया था कि 25 नंबर का आपका जो वाइवा है आपका 25 नंबर का होगा, सभी ने बड़ी ईमानदारी से यही सोच के इंटरव्यू दिया कि हमारा वाइवा है जो इंटरव्यू है वो हमारा 25 नंबर का है। सभी साथियों ने बड़ी ईमानदारी से इंटरव्यू भी दिया मगर चयन प्रक्रिया के द्वारा, जो चयन प्रक्रिया वहां अपनाई गई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें उन्होंने 25 की बजाय वो इंटरव्यू 30 का कर दिया। उस टाइम तक इस बात का कि भी हमारा जो इंटरव्यू है वो 30 का हो चुका है। जब हमारे वहां पर हाई कोर्ट में जो साथी हमारे रह गए थे बिना सिलेक्शन के, उन्होंने भी जब तक कोई अपील हाई कोर्ट में दायर नहीं की थी हमारे खिलाफ, जब तक हमारी लिस्ट आउट नहीं हुई थी। लिस्ट आउट होने के बाद जब उनको पता लगा कि हम लिस्ट में रह गए, तो तब उन्होंने जाके इस मामले को उठाया और उसको हाई कोर्ट में लेके गए और उसमें उन्होंने तरह तरह के हमारे को एलिगेट किया गया कि इसमें फर्जी कैंडिडेट हैं। इसमें बहुत बड़ा मुद्दा ये भी आया कि इनका डिप्लोमा तो पहले हो चुका है 10वीं बाद में की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी उन्होंने एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए थे माननीय हाईकोर्ट ने उसको अकेले अकेले करके उसको सॉर्ट आउट कर दिया था। हमारे द्वारा जो जल से हमारे आर के मलिक, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से, दो तीन वकील और थे हमारे, उनको अकेला अकेला जितनी पटिशन थी उनको अकेला करके सॉर्ट आउट कर दिया गया था। और शुक्रवार हमारी भर्ती को क्वेश्चन किया गया सिर्फ इस इशू को लेकर, सबसे बड़ी कि आपके जो चयन प्रक्रिया है उसमें बड़ी खामी पाई गई है, जो इंटरव्यू है वो 25 की बजाय उसमें 30 का कर दिया गया है। जबकि होता ऐसा है कि जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है उसमें जो भी चीज लिखी जाती है वो ड्यूरिंग द सिलेक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और ये फैक्ट भी है, जब आपकी एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो उसको बीच में आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो आपने पूरे एडवर्टाइजमेंट भी उसकी निकालनी पड़ेगी, पब्लिक में नोटिस भी देना पड़ेगा, आपको पूरे मेंबर से डिस्कस भी करना पड़ेगा। खैर, हाईकोर्ट ने हमारी भर्ती को रद्द कर दिया गया और हम 2013 में इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने को स्टे के लिए चले गए, हमारे को स्टे मिला भी और 7 साल वहां पर केस चला। सरकार जब हाई कोर्ट ने, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में जितने भी हमारे एलिगेशन लगे हुए थे उसको सॉर्ट आउट कर दिया माननीय हाई कोर्ट की तरह, मगर वहां भी एक सबसे बड़ा जब इशू आया, कोर्ट ने हमारे को बचाने की बहुत कोशिश की कि 2000 परिवार हैं और 10 साल से ये नौकरी कर रहे हैं तो ये कहां पर जाएंगे। तो उस समय माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रिकॉर्ड मांगा हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से, जो अभी हमारे पास एक कॉपी पड़ी है और इस कॉपी में स्पष्ट लिखा गया है
कि आपके पास हरियाणा गवर्नमेंट को एक सप्ताह का टाइम दिया गया कि आपके पास ये जनवरी में हुआ है हमारे जो अभी 2020 जनवरी में कि आपके पास जितनी वैकेंसी पीटीआई खाली है जो 68 याचिकाकर्ता हमारे खिलाफ थे जो सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे साथ गए उन्होंने हमारे खिलाफ वहां भी केस लड़ा है कि भी ताकि उनको भी एडजस्ट किया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है, हमारी कॉपी नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाई गई कॉपी है। तो कोर्ट ने पूछा कि भी आपके पास अगर वैकेंसी है तो हम उनको एडजस्ट कर देते हैं जो आपके 68 कैंडिडेट पेंडिंग है जो आज जो में नहीं है, मगर स्पष्ट स्पष्ट गवर्नमेंट ने वहां भी हमारी कोई हेल्प नहीं की और वहां पर एक एफिडेविट दायर कर दिया कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है पीटीआई की, हमने पीटीआई को टीजीटी कैडर में कन्वर्ट कर दिया गया है जबकि पीटीआई ड्राइंग टीचर और म्यूजिक टीचर ये सब हमारा सीएनडी कैडर में आता है, सीएनडी कैडर को हमने खत्म करके उसको टीजीटी में कन्वर्ट कर दिया गया है और हमारे पूरे साथी जितने पीटीआई 2010 हैं ड्राइंग टीचर भी है म्यूजिक टीचर भी है पूरे हरियाणा में हजारों की संख्या में कैंडिडेट हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि अगर आपने टीजीटी में उसको कन्वर्ट कर दिया क्या आपने हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे को टीजीटी का लाभ दिया है, हमारे को अलग एसीपी दिया है जो टीजीटी की जो बेनिफिट होते हैं वो हमारे को नहीं मिला, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, आपने बेनिफिट नहीं दिया, सो दैट आप ये नहीं कह सकते कि हमने उसको कैडर को मतलब चेंज ही कर दिया। तो नहीं की हमारे बीच साथी राजेश जी बताएं आप प्लीज, हाँ। जो रिटायर हुए हैं या एक्सपायर हो गए तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद भी हम जब हमारी भर्ती क्वेश हुई 8 अप्रैल को डिसीजन आया तब से हमारे 2000 साथी इस कोरोना महामारी में दर दर की ठोकरें खाते हुए बीमारी से कोई खौफ नहीं था उनको, हर एमएलए हर मिनिस्टर और इवन मुख्यमंत्री तक भी हमने अपनी जो व्यथा है हमारी पीड़ा है उनके आगे रखी है और दो दो तीन तीन बार जाके हमने विज्ञापन भी दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया है, पूरा हमारा जो साथी है पूरे के पूरे उठ के शिक्षा मंत्री के निवास पर भी गए, उन्होंने भी बड़ा अच्छा आश्वासन दिया, इवन इतना आश्वासन दिया कि हमारी एक लेडीज थी हमारी मैडम थी उनके सर पे हाथ रख के ये बोलना कि आप मेरी बहन हो और आपके रोजगार को कुछ नहीं देंगे कि विश्वास रखो, क्या ऐसे बहन और भाई का जो रिश्ता है ऐसे रखा जाता है। और उसी दिन जब हम शाम को आए तो हमारे खिलाफ एडवर्टाइजमेंट उन्होंने पब्लिश कर दी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, और दूसरी बात हमारे शिक्षा मंत्री ये कहते हैं मीडिया में कि जब इनको रिन्यू किया गया तो हमारे पास तो कोई फाइल ही नहीं आई, उनसे पूछा गया कि एडवर्टाइजमेंट की प्रक्रिया तो एक साथ तो निकलती नहीं है, उसमें टाइम लगता है, शिक्षा मंत्री से अप्रूवल लेनी पड़ती है, वहां भी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने यह बात रखी कि हमारे मेरे को तो भाई नॉलेज नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकले और बिना अप्रूवल के वो पब्लिश हो जाए, ऐसा दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। सर हमने विश्वास रखा गवर्नमेंट पे, हम 1.5 महीने सड़कों पर ऐसे ही फिरते रहे, जब इन्होंने हमारे को 1 जून को अप्रैल कर मतलब फर्स्ट इसको इन्होंने हमारे को जून को रिलीव कर दिया गया और बीच बीच में हमारे को कहते रहे कि गवर्नमेंट आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है, हमने भी विश्वास रखा अपनी गवर्नमेंट पे, हम उस अपने रिलीविंग के अगेंस्ट वहां पर माननीय हाई कोर्ट में गए, तो जब हमारी वहां पर हियरिंग हुई तो जज साहब ने की बात पूछा और ये स्पष्ट जो हाई सुप्रीम कोर्ट का है और जो उनके द्वारा सरकार के द्वारा भेजे गए डबल एजी को वहां पर जज साहब ने पूछा कि ये पढ़ के दिखाओ पैरा 75 में क्या कहीं आप ऐसा लिखा है कि इनको आप रिलीव कर दो, तो जज साहब ने कोर्ट में उनसे पढ़वाया कि भी ये पढ़ के सुनाओ क्या कहीं पर लिखा है, तो उन्होंने स्पष्ट उस टाइम अपना क्या दिया, ये 5 तारीख की मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये 5 तारीख का जजमेंट है हमारे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, और इन्होंने स्पष्ट क्या एफिडेविट दिया डब्ल्यूजी के द्वारा, वहां पर क्या बोला गया है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लर्निंग द स्टेट काउंसलिंग हैज फैमिली एक्नोलेज्ड दैट ऑल द पिटिशनर आर स्टिल वर्किंग अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव पोस्ट, यानी 5 तारीख को भी इन्होंने वहां पर माननीय हाई कोर्ट के सामने ये बोल दिया कि हमने उनको हटाया नहीं है, ये ऑलरेडी अपने अगेंस्ट पोस्ट के वर्किंग पे हैं। और उसके बाद जो जज साहब ने फिर डिसीजन दिया हमारा नेक्स्ट डेट के लिए, तो उन्होंने इसको बेकायदा ये लिखा गया है कि भी स्टे आल्सो यानी को स्टे यानी इस स्थिति में है इसको यहीं पर रोक के रखे, आप इनको रिलीव नहीं करने हैं आपने,
तो 9 तारीख को हमारी जब हियरिंग हुई फाइनल, हमारे को पूरी उम्मीद थी कि हमारे को स्टे मिलेगा। दोबारा फिर इन्होंने एजी को ही चेंज कर दिया वहां पर हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ, और उन्होंने क्या तथ्य वहां पर रखा कि हमारे से मिसकम्युनिकेशन गैप हो गया, हमने तो इनको 1 तारीख को ही रिलीव कर दिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े न्यायालय में जहां पूरे हरियाणा और पंजाब को न्याय मिलता है और वहां पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये जाके कह दे गवर्नमेंट के द्वारा भेजा हुआ कि ये तो मिसकम्युनिकेशन गैप है और हमने तो इनको 1 तारीख को रिलीव कर दिया गया था। तो उसकी एवज में माननीय जज साहब ने इनको तीन बार वहां पर डांट पिलाई है कि आप कैसे कह सकते हो, आप सीरियस नहीं ले रहे हो। तो इन्होंने वहां भी अगर आप उसके आर्ग्यूमेंट्स की वीडियो अगर रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा भेजे हुए एजी ने भी 3 बार सॉरी फील किया है कि सॉरी माय लॉर्ड, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो अगर इतनी जबरदस्त आर्ग्यूमेंट्स हमारे खिलाफ की गई, क्या एजी को ऐसा लग रहा था कि भी हम इनको बचाने के बजाय अगर ये बचते हैं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? उन्होंने ऐसे बहस की हमारे एडवोकेट साहब के साथ, तो हमारे को वहां भी राहत नहीं मिल पाई। और इन्होंने क्या बोला वहां पर भी कि हमारा तो वर्कलोड नहीं बनता है, इनका लॉकडाउन के दौरान वर्कलोड नहीं बनता है। इस पे जज साहब ने पढ़ते ही ये बात की लॉकडाउन चला हुआ है, हमारा हाई कोर्ट भी आधे एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इनको नौकरी से हटा दें। तो उसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं था, वहां भी उन्होंने सॉरी फील करना पड़ा। मैं माननीय कोर्ट पे उंगली नहीं उठाता, मगर हर चीज को बारीकी से देखते हुए माननीय जज साहब थे हमारे महावीर संधू जी, उन्होंने अंत में सिर्फ यही बात की कि मैं आई एम टोटली हेल्पलेस, वी ऑल पिटिशनर, एवरीथिंग इज ओके, ये सब ठीक है, मैं समझता हूँ, मगर मैं हेल्पलेस हूँ क्योंकि ये दीज ऑर्डर रिस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और आपको वहीं से ही आपको राहत मिलेगी। तो उन्होंने हमारे वकील साहब को बोला कि आप अपना ये जो है आपकी अर्जी यहाँ से विड्रॉ करके और अपना माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। तो अब ये देखो वर्कलोड की उन्होंने बात रखी वहां पर कि वर्कलोड नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जब सुबह स्कूल की घंटी बजती है तो हजारों बच्चों की आंखें हैं, वो अपने पीटीआई डीपी को ढूंढती है कि हमारा पीटीआई डीपी होता है कहाँ पर है। एक पीटी डीपी एक स्कूल का रोल मॉडल होता है, सुबह असेंबली से स्टार्ट होता है, वो पूरे दिन चेयर पर नहीं बैठता, पूरा दिन उनका ग्राउंड का काम रहता है। और अपने इसके अलावा बहुत से ऐसे काम होते हैं, मिड डे मील से रिलेटेड हो गया, या बीएलओ जो आपके सेंसिस में ड्यूटी लगती है, या गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी योजनाएं दी जाती हैं कि कभी स्वास्थ्य अभियान पे है, कभी पौधारोपण पे है, तो वो मतलब उसमें भी एक पीटी और डीपी का एक अहम रोल होता है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से, सरकार के पास भी मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आप हमारा 2010 से पहले का जो खेलों का स्तर है हरियाणा का, वो उठा के देखें और बाद का उठा के देखें। इन खिलाड़ियों ने, हम भी खिलाड़ी रहे हैं, सभी साथी मिट्टी में पले हैं, मिट्टी में बड़े हुए हैं। आज हमने नेशनल और इंटरनेशनल के खिलाड़ी हरियाणा को दिए हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, हरियाणा का तो किया है। तो अब ये बताओ, जब टेस्ट की बात आई कि भी आपने टेस्ट देना है, हमारे 40 साथी एक्सपायर हो चुके हैं, 20 हमारे जो टोटल 1983 में से, एक्सी क्रेचे के तहत उनके बच्चों को जो पेंशन मिलती है वो अपना गुजारा करते हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, हम उनके लिए भी लड़ाई जबरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं, हम बाद में हैं, पहले वो हमारे लिए वो परिवार हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए तो लड़ रहे हैं, पहले उनके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये भी उनसे चला गया तो उनका क्या होएगा। और हमारी बहुत सी ऐसी मैडमें हमारे साथ हैं, बहन जी हमारे साथ हैं, जो लगभग 35 के आसपास विडो हो चुकी हैं, वो इस अपने रोजगार के बल पर अपने बच्चों का निर्वाह कर रही है। हमारे साथियों ने अध्यापक के पास कोई अलग से इनकम नहीं होती कि अलग से कोई रोजगार होता है, बैंक से लोन लेके 30-40 लाख रुपए का लोन लेके उन्होंने घर बनाया हुआ है, तो वो आज कहां पर से ईएमआई देंगे। आज एक महीना हो गया लगभग, हमारे को एक महीना हो जाएगा रिलीव हुए, हमें आगे की चिंता है कि बैंक वाले हमारे घर आएंगे, वो हमें टोकेंगे। हम सामाजिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी बिल्कुल टूट चुके हैं। और मैं अपने साथियों की तरफ से निवेदन करता हूँ सरकार से
कि हमारे लिए कोई बीच का रास्ता निकाल ले, ऐसे आपके पास बहुत सी वैधानिक शक्ति है। और सुप्रीम कोर्ट के तो ऐसे बहुत से डिसीजन पहले भी आए हुए जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं है। समान काम समान सड़कों पर आ गई हैं, उनको हर टाइम दिन रात खाना तक भी नसीब नहीं होता, ये टेंशन खाई जा रही है कि आगे भविष्य में क्या होगा। एक बच्चा आगे चार पीढ़ियां बनाता है, चार पीढ़ियां उन्होंने सरकार ने खत्म कर दिया बिल्कुल। तो सरकार से मैं बिल्कुल गुहार लगाऊंगी कि हमारे रोजगार को बचाए, हमारे बच्चों की तरफ देखे और निवेदन करते। ऐसा नहीं दिखा, कोई रास्ता नहीं दिखा कि सरकार हमारे साथ है। नहीं, सरकार ने बिल्कुल भी कोर्ट में कोई पैरवी नहीं की। अगर वो पैरवी करती तो आज हमारे साथ होती, हमें इस चीज का यहाँ से पता चल जाता। आज हमारे पूरे स्टेट कुछ हमारी जो साथ में मैडम है, जो उन्होंने बात रखने की कोशिश की, सर आप गाड़ी में बैठे, हमारी मैडम ने उनको रोकने की कोशिश की, मगर वहाँ पर पूरी पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारी मैडमों के साथ हमारे बच्चों के साथ धक्कामुक्की की गई, लाठी चार्ज की गई और गाड़ी को इतने स्पीड में तोड़ाने लगे। अगर कोई हमारा साथी इसमें से नीचे आ जाता और वो मर जाता, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? वो तो हमारा साथी, हम फिजिकल ट्रेनर है, एक जंप करके दूसरी साइड में निकल गए, अदरवाइज गाड़ी ऊपर से आ जाती। 12 साथी हमारे घायल कौन था? ये राजेश जी, 12 साथी हमारे घायल हुए कल, इसमें से महिलाएं थी, फ्रैक्चर हुए हैं, एक लेडीज को फ्रैक्चर हुआ है, वो मरते मरते बचे हैं, लेकिन उनका हौसला है, वो केंद्र एक बुलंद आवाज है। साथियों आपके माध्यम से मैं कान खोल देना चाहता हूँ, जो भी हमारे साथ ये धोखाधड़ी ये राजनीति कर रहे हैं, मैं बहुत अंदर से पीड़ित हूँ, इसलिए मेरी आवाज उधर तरीके से निकल रही है, लेकिन हम दुखी हैं, क्योंकि जो भी हमारे साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, जो ये चीटिंग, ये राजनीति हमारी जॉब के ऊपर, हमारे रोजगार, हमारे बच्चों के ऊपर जो ये कर रहे हैं, उनके मैं कान खोल देना चाहता हूँ। वो हमारे इतने सासी बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति, फर्स्ट हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, लेकिन वो अपने आप उठकर वहाँ धरना प्रदर्शन कराएंगे जी, कि हम अगर मरेंगे जिएंगे तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। एक भी हमारे साथी उनमें से इतने ज़्यादा घायल हुए थे, एक भी वहाँ पर एडमिट नहीं है। हाथों से उनको सम्मानित किया गया है और सूर्य अवार्ड दिया गया है। ऐसे ऐसे लोगों को भी, मतलब ऐसे ऐसे जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिन्होंने अपने अपने जान पे खेल, कौन देगा, कहाँ से लेके आएंगे, हम कैसे पालेंगे अपने बच्चों को? हम तो अपने बच्चों के साथ सुसाइड करने के लिए सड़कों पे आ गए, कैसे करेंगे अपना गुजारा? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे रोजगार को सुरक्षित रखें, हमें दोबारा से ज्वाइन करवाया जाए।